बीजेपी में लगातार 5 सीट उपचुनाव में जो है वो जीत का उसका जश्न है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ अभी संगठन महामंत्री हैं सर, 5 सीट आप जीत चुके हैं, 5 सीटों का रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें आ चुकी है और जिस प्रकार का स्नेह राजस्थान की जनता ने जो विश्वास जताया है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी पे और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ पे, हम पूरी जनता का, वहाँ की जनता का आभार प्रकट करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है और जिस प्रकार से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को विकास की गति पे ले जा रहे हैं, उसको और मजबूती मिलेगी। पूरे सभी जनता का बहुत बहुत आभार। आप क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड विजय है। 1 साल का कुशल नेतृत्व आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास की नीतियां बनी, जो विकास का एजेंडा चला, जो हमने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने, उनको 1 वर्ष के अंदर अधिकाधिक पूरा करने का काम किया। जनता ने उस पर मोहर लगाई है। आज झुंझुनू और खींवसर का एक बड़ा किला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फतेह किया है। यह निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता के लिए उत्साह का वातावरण है। महाराष्ट्र की जीत आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के ऊपर एक बड़ी मोहर लगी है। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है 5 सीटें यहां जीती है बीजेपी ने, उसका जो जश्न है वो यह बनाना शुरू कर दिया है। खींवसर और झुंझुनू जो किला था वो बीजेपी ने एक बार जो है कांग्रेस से छीनी है। लंबे टाइम से झुंझुनू में कांग्रेस का कब्जा था, उसे बीजेपी अपने अंडर में करने में कामयाब रही है। रमाकांत शर्मा के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।